हेलो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं एमएस कॉलेज ऑफ लॉ के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे टोटल कितनी सीट्स अवेलेबल है इस कॉलेज में, क्या एडमिशन प्रोसेस है इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, और कितना स्कोर रिक्वायर्ड है। सो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये कॉलेज कहाँ पे सिचुएटेड है और कौन सी यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है। तो ये अफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से एंड लोकेटेड है थाना में। अब एडमिशन प्रोसीजर के बारे में देखें तो सबसे पहले लॉ दैट इज एलएलबी करने के लिए दो तरीके की एग्जाम होती है। एक एग्जाम होती है एलएलबी 3 ईयर और सेकेंड एग्जाम होती है एलएलबी 5 ईयर। एलएलबी 3 ईयर करने के लिए आपको महाराष्ट्र लॉ सीईटी 3 ईयर एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जो आप आपके ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हो। एंड 5 ईयर आप अपने 12th स्टैंडर्ड के बाद दे सकते हो, 5 ईयर इंटीग्रेटेड एलएलबी प्रोग्राम करने के लिए। तो आपको एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है। तो बी एडुकेयर एक एंट्रेंस एग्जाम स्पेशलिस्ट है जो आपको गाइड करेगा कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पेपर पैटर्न होता है, क्या मार्किंग स्कीम होता है, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं और स्ट्रैटेजी क्या होती है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, आपको एग्जाम के लिए रजिस्टर करना होता है। आप रजिस्टर कर सकते हो सीईटी पोर्टल पे। जैसे ही एग्जाम का नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, आपको बी एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे नोटिफाई इमीडिएटली किया जाएगा। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको एक हॉल टिकट इशू किया जाएगा एंड उसी हॉल टिकट में आपको एक एग्जाम का सेंटर आएगा जहां पे जाके आपको अपना एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपियर करना है एंड विद इन फ्यू डेज आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, जिसके बाद आपका एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, जिसको बोला जाता है कैप राउंड। अब ये कैप राउंड क्या होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या स्टेप होता है, ये सब के लिए आपको बी एडुकेयर का यूट्यूब चैनल फॉलो करना है ताकि आपको पता चल सके कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे, वेरिफिकेशन होने के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा इस कॉलेज में। अब अगर सीट्स की बात करें तो 3 ईयर और 5 ईयर दोनों एंट्रेंस एग्जाम्स के साथ साथ प्रोग्राम के लिए जो है यहाँ पे अवेलेबिलिटी है। तो 3 ईयर के लिए टोटल 240 सीट्स अवेलेबल है एंड 5 ईयर कोर्स के लिए टोटल 120 सीट्स अवेलेबल है। एक्सपेक्टेड स्कोर की अगर बात करें तो अगर आप 3 ईयर के लिए ट्राई कर रहे हो तो मिनिमम आपको 85 प्लस जो है वो स्कोर करना है आउट ऑफ 150। एंड अगर आप 5 ईयर कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 55 प्लस जो है स्कोर करना है आउट ऑफ 150। अब एग्जाम क्या है, किस तरीके का डिफिकल्टी लेवल होता है, ये जानने के लिए आप एक फ्री मॉक टेस्ट अपियर कर सकते हो, पेपर को जान सकते हो पेपर देने से पहले। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ऐप लिंक दिया गया है उसको डाउनलोड करना है एंड एक मॉक टेस्ट अपीयर करके देखना है। सो बी एडुकेयर एक एंट्रेंस एग्जाम स्पेशलिस्ट है जो आपको लॉ, एमबीए एंड गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर करवाता है। तो अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट आ रहा है एग्जामिनेशन के रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो या इस नंबर 8383818888 पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। That's it guys, do like this video, share this video with your friends and subscribe to our channel for regular law related exam updates, MBA related exam updates or any other entrance exam updates.